असलकम आज बनाते हैं पास्ता ये मेरी स्पेशल रेसिपी है जो हर संडे को मेरे घर में बनती है बच्चे बहुत इन्जॉय करके खाते हैं सबसे पहले आपने एक पा पास्ते का पैकेट ले लेना है उसको आपने नॉर्मल तरीके से जो है वो पानी में नमक और ऑयल डालने के बाद अच्छे तरीके से बॉईल कर लेना है मैं जो पास्ते के अंदर चीज़ें डालती हूँ उनमें है बोनलेस चिकन मशरूम्स सॉसेजेस एंड लॉट ऑफ लॉट ऑफ चीज़ और स्पाइस जो जो, जो इसके अंदर डलेंगी वो है सॉल्ट ब्लैक पेपर वाइट पेपर चिली फ्लेक्स सोया सॉस एंड हॉट सॉस अच्छा मैं सारी चीज़ें जो है वो तकरीबन अपने अंदाजे से डालती हूँ अगर मैं आप लोगों को कहूँ कि हाफ अ टी स्पून डाल लें या हाफ चम्मच डाल लें तो वो फिर जो है वो आइडिया सबको अपने लिहाज से पता होता है कि कौन किस तरह का अपने घर में स्पाइस खाता है सबसे पहले सोसेजेस को लेके हमने अच्छा सा शेलो फ्राई कर लेना है क्योंकि ये ना मुझे अच्छी लगती हैं शेलो फ्राई हुई हुई सबकी अपनी अपनी पसंद है मुझे अगर मैं वैसे ही खाऊँ तो मुझे लगता है कि थोड़ी सी कच्ची कच्ची सी रह गई हैं इसलिए मैं हमेशा इसको डालने से पहले हल्का सा शैलो फ्राई कर लेती हूँ फिर उसी पैन में आप अपना चिकन डालें और हाफ अ टी स्पून अदरक डालने के बाद उसको अच्छी तरीके से गोल्डन ब्राउन कर लें जब चिकन गोल्डन ब्राउन होने लग जाए तो आप इसके अंदर मशरूम्स और अपनी बाकी सारे स्पाइसेस और सॉस डाल दें जिनके अंदर ब्लैक पेपर वाइट पेपर चिली फ्लेक्स सोया सॉस और हॉट सॉस है इसको अच्छे तरीके से आप भून लें कि चिकन गल जाए और सारी चीज़ें कॉर्पोरेट हो जाएं उसके बाद अपना बॉयल हुआ हुआ पास्ता हम इसके अंदर डालेंगे और इसको अच्छे तरीके से टॉस कर लेंगे चीज़ें जितनी सिंपल बनाएंगे उतनी अच्छी बनेंगी एक्स्ट्रा हम इसके अंदर सॉस डाले जाएँ एक्स्ट्रा चीज़ें डाले जाएँ तो वो बहुत फैंसी भी हो जाता है काम और फिर मज़े का भी नहीं रहता तो मेक इट सिंपल एंड एन्जॉय इन अ डिनर अब ये लास्ट स्टेप थोड़ा मेरा स्पेशल है ये मेरा स्टाइल है कि मैं इसको डिश आउट करके चीज़ स्प्रेड करती हूँ ऊपर चेडर मोजरेला जो भी आपको पसंद है आप वो चीज़ ले लें और उसके बाद इसके ऊपर ये सॉसजेस डाल के और ऊपर से दोबारा चीज़ डाल के और एक पाउडर डाल के आप इसको थ्री टू फोर मिनट्स के लिए है जो वो सिर्फ अवन ग्रिल में जो है जो वो कर लें हल्का सा ग्रिल कर लें कि चीज़ मेल्ट हो जाए जब चीज़ मेल्ट हो जाएगी तो थ्री टू फोर मिनट्स लगते हैं हार्डली चीज़ ऊपर से मेल्ट हो जाती है तो इसकी प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी हो जाती है और इसको आप फिर पिज्ज़ा पास्ता भी कह सकते हैं लास्ट स्टेप ऑप्शनल है अगर आप क्या करना चाहें तो चीज़ आप और सॉसजेस अंदर भी डाल सकते हैं अगर प्रेजेंटेशन थोड़ी सी अच्छी करना चाहते हैं तो आप इसको इस तरह स्टेप कर लें तो ये प्रेजेंटेशन भी बहुत अच्छी हो जाएगी बहुत मज़े का बनता है आप लोग भी बनाएं इन्जॉय करें और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें फॉर मोर वीडियोज़ लाइक दिस थैंक यू ला